नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, जिसे आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक लाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो पाए। आज हम जुड़ते हैं पूनम मैम से और बात करेंगे कि किस तरीके से बिटकॉइन ने एक तरफ तो इतनी अच्छी रैली दिखाई और उसके बाद वो नीचे आ रहा है, तो उस पर मैम की क्या राय है, इस पे बात करते हैं आज। पूनम मैम, बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। थैंक यू शिवानी। मैम, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, हाय, इज इट ऑडिबल नाउ? यस मैम, इट्स ऑडिबल। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। मैम, एक चीज बताइए, बिटकॉइन ने एक तरफ बहुत अच्छी रैली दिखाई और हम देखते आ रहे थे कि बहुत पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार बिटकॉइन के जो दाम है वो बढ़ रहे थे वीकेंड्स आते आते, और वो देखते 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 $50,000 तक पहुंच गया। अब वापस वो हल्का फुल्का नीचे जा रहा है, 48,000 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे थे कि बुल रन वो होता है जहां सीधा बिटकॉइन ऊपर ही जाता है, लेकिन इसे बुल रन कहना ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैंडल्स जो हैं वो कुछ और दिखा रही हैं, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो इसको आप किस तरीके से देख रही हैं इस वक्त? सो ये जो अभी डम्स आते हैं, या फिर बेसिकली मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, ये वॉलेटिलिटी का ही पार्ट है, बिकॉज कोई भी असेट है अगर उसमें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड वो ग्लोबल असेट है, व्हेनेवर देयर इज ग्लोबल असेट देन देयर इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यू नो ग्लोबली कोई भी फैक्टर्स हैं वो उसके प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो वॉलेटिलिटी इतना एक्सपेक्टेड रहता है। एंड अभी भी हम बुल रन में हैं, इफ यू सी द प्राइसेस, जैसे हम अभी यू नो लास्ट 1 month से जो हमने प्राइस राइज चालू हुआ है, From 30,000 we have increased, तो ये dips आते रहेंगे। Bull run ऐसा नहीं है कि you know continuously you are expecting कि 50 से निकले और सीधे 100 पे पहुंचे, ऐसा नहीं होता है। This is correction, this is part of correction only and it was very much expected। Charts को जब आप देखेंगे तो ये dips जो है वो expected रहते हैं। And कल का जो dip है उसके पीछे I think 2-3 कारण जो समझ में आ रहे हैं। Number 1 is you know अभी upcoming Friday को जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता है हर मंथ, जो लास्ट फ्राइडे है उस दिन फ्यूचर्स एक्सपायर होता है। कल जो माइक्रो स्ट्रेटजी की न्यूज आई, वेयर यू नो माइकल सेलर, उन्होंने अनदर सम बिलियंस में या मिलियंस में बिटकॉइन को परचेज किया है, तो जो फ्यूचर्स की डेट 27 को एक्सपायर हो रही थी, आई थिंक ये जो फ्यूचर्स के सेलर्स हैं उस न्यूज की वजह से उन्होंने कल सेल कर दिया, और ऐसा भी हो सकता है। एंड चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था, बट आई थिंक ये 47 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज फिर यू नो 46 तक पहुंच जाएगा। बट अभी भी हम बुल रन में हैं। सितंबर का मंथ अगर चार्ट्स के बेसिस पे बिटकॉइन की हिस्ट्री देखी जाए जी, तो थोड़ा ट्रिकी रहता है। लाइक 2016 में प्रॉफिटेबल था सितंबर मंथ, बट कुछ वॉलेटिलिटी मिल सकती है, कुछ मैसिव मूव ना मिले, बट यू नो वॉलेटिलिटी रहेगी सितंबर मंथ में, बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो मैम यहाँ पे आपने तो ये तो हमें क्लियर कर दिया है कि क्यों प्राइस जो है नीचे गया है, अभी देखते देखते हल्का फुल्का और नीचे जा रहा है, 48,387 के आसपास दिखाई पड़ रहा है मुझे। मैम, कल न्यूज आई थी, कल की बात करें स्पेसिफिकली, तो जैसे जैसे बिटकॉइन अच्छा कर रहा था वैसे वैसे इंडिया के जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जाने लगे थे, काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली थी बीच में हमें, और काफी लोगों को समझ आने लगा था कि क्रिप्टो करेंसी में या स्पेसिफिकली बिटकॉइन में पोटेंशियल है, तभी ये इस तरीके से 1-2 महीने के अंदर अंदर 30-50 पहुंच चुका है। तो मैम अब अगर हम देखें तो जिन लोगों ने तब इन्वेस्ट किया था जब ये 50,000 के आसपास था, $50,000 के आसपास था, उनको एक हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिला है,
तो उनको आप क्या सलाह देंगी, किस मेंटालिटी के साथ वो ट्रेड करें, किस साइकोलॉजी को लेके चलें? जो लोग ट्रेडर्स सी आपके जो व्यूअर्स हैं या कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो यू नीड टू क्लैरिफाई अपने आपको एज अ ट्रेडर देखते हो आप या इन्वेस्टर देखते हैं। बाय इन्वेस्टर आई मीन कि कम से कम 6 महीने का आप इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में करते हैं। एंड रही बात यू नो रिटर्न्स की, अगर 50,000 में इन्वेस्ट किया है, 48,000 अगर आ गया है, तो आपने 2 दिन के लिए तो इन्वेस्ट किया नहीं होगा, यू नो आपने कम से कम 15 दिन या 1 महीने या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग कह रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100,000 पहुंचेगा, तो यू नो आपके अगले 6 मंथ्स में देयर इज अ चांस दैट योर इन्वेस्टमेंट विल गेट डबल। लेकिन अगर आप 2 दिन के लिए डालते हैं मार्केट में पैसा और एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न आ जाए, तो ग्लोबल मार्केट में जहाँ इतनी वॉलिटिलिटी है 2 दिन में आपको यू नो वो ट्रेडिंग होता है, तो फॉर ट्रेडिंग यू हैव टू यू नो कॉन्स्टेंटली आपको एक मार्केट पे वॉच बनाए रखना पड़ता है एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको फिर ट्रेडिंग करनी होती है। इन्वेस्टमेंट भी आप यू नो प्रॉपर आप स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें बिकॉज अल्टीमेटली वॉलिटिलिटी इतना है एंड सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है आप इतना यू नो एंड बिकॉज अभी बिल्कुल नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है तो कभी कभी न्यूज भी उसको अफेक्ट करती है। जब न्यूज अफेक्ट कर रही है तो फिर वही है कि चांस रहता है कि यू नो एसेट नीचे जाए और फिर ऊपर आए, तो ये आपके ऊपर है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्रिप्टो में आ रहे हैं तो 6 महीने कम से कम मार्केट को दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिटर्न्स। ठीक है, तो यानी कि वो जो दर्शक एकदम से घबरा गए थे कि ये क्या हो गया, जैसे ही एंट्री ली उसके बाद 1,500 से $2,000 का उसमें झुकाव देखने को मिल गया, गिरावट देखने को मिल गई, तो उनके लिए हमारी एक्सपोर्ट की यही सलाह है कि छोटा व्यू मत लेके चलिए, पहले तो अपना जो व्यू है, जो आपका ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का, उसे थोड़ा बड़ा रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जिस भी कॉइन में या बिटकॉइन में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर रहे हों उस पर आप पूरा यकीन करते हों, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े ही वक्त में वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो कल मैम बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था, बहुत लोग सेलिंग करना शुरू कर दिया था लोगों ने बिटकॉइन की, तो उनके लिए ये एक अच्छा मैसेज है आपकी तरफ से कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें और फिर जब इन्वेस्ट कर दिया है तो उस पर्टिकुलर एसेट को पूरा वक्त दें कि वो आपको प्रॉफिट कमा के दे सके। मैम इंडिया की अगर खास तौर पर बात करें तो बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम बात करें कितने होल्डिंग्स हैं तो बहुत से लाइक 15,000 मिलियन कुछ इन्वेस्टर्स होने को हैं, तो किस तरीके से आप देख रही हैं इसे, आपको क्या लगता है कौन कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, जैसे कि हम भी देख रहे हैं हमें भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारे वो दर्शक जो केवल स्टॉक मार्केट तक सीमित थे अब वो क्रिप्टो करेंसीज को भी देख रहे हैं, वहां पे भी वो सवाल पूछ रहे हैं, तो ओवरऑल आप क्या पोटेंशियल देख रही हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टेड हैं आपको क्या लगता है अगर 2 साल या 5 साल तक का इंतजार कर लिया जाए तो चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो या बिटकॉइन्स हो कितना उनको रिटर्न मैक्सिमम देखने को मिलेगा? So, शिवानी आई थिंक आई शेयर पिक्चर जहाँ पे yes, ma'am, yes, altcoins and bitcoins में सभी ने पिछले 1 साल में काफी रिटर्न्स दिए हैं। बिल्कुल। अगर Dogecoin को स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो इट हैज गिवन 9,000% रिटर्न्स, Axie Infinity ने 9,000% दिया है, बिटकॉइन का आई थिंक 700% रिटर्न्स है एंड अदा कर्दानो हैज गिवन मोर देन 1,000% रिटर्न्स, सोल विच इज सोलानो नेटवर्क द होल इकोसिस्टम हैज गिवन यू नो 1,000%। तो अगर आप 1 साल में 1,000% रिटर्न्स, ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है जो इतना रिटर्न्स आपको दे रहा है, तो आप जो हड़कंप मचता है या जनरली लोग यू नो किसी भी न्यूज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं वो वही लोग हैं जो इंडस्ट्री को समझते नहीं है। तो जिस तरीके से आप किसी भी स्टॉक मार्केट के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पहले कोशिश करते हैं कि उस कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में टाटा ट्रस्ट को कमांड करता है, तो लोग बिल्कुल बिना इंफॉर्मेशन के भी टाटा में इन्वेस्ट करते हैं, बट टाटा भी आपको विद इन 2-3 डेज रिटर्न्स नहीं देता है, इन दैट ऑल्सो पीपल इन्वेस्ट फॉर लाइक 5 years, 10 years एंड मोर देन दैट। तो अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो क्रिप्टो से बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन इसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा इंफॉर्मेशन जागरूकता आपको यू नो हासिल करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा एंड
एंड रिटर्न्स की बात करें तो बिटकॉइन बिकॉज यू नो बहुत ही धीरे धीरे स्टेबल असेट होता जा रहा है, सप्लाई रिड्यूस होती जा रही है, तो बिटकॉइन के कंपैरिजन में अल्टकॉइंस विल गिव यू मोर रिटर्न्स. तो अगर आप आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लेट्स से 6 मंथ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैटिक में इन्वेस्ट कीजिए, आप इथीरियम में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज इथीरियम में बिटकॉइन से ज़्यादा उसका यूज केस है, यू नो ग्लोबल अडॉप्शन है. एंड जो आपने कहा कि इंडिया में यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में तो बढ़ ही रहे हैं बिकॉज ऑफ जागरूकता, लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है, हम और आप बात कर रहे हैं तो उसी वजह से यू नो लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि अब जानकारी हासिल करें और क्या है ये इन्वेस्टमेंट. मेरे पास भी काफ़ी यू नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का. इंडिया के बाहर भी बिकॉज ये इंडस्ट्री इट्स नॉट जस्ट न्यू टू इंडिया, इट इज न्यू टू द होल वर्ल्ड. तो यहाँ से एंड यहाँ पे अगर इंडिया के ही लोग आएंगे तो ही रिस्पॉन्स यू नो तो ही इसका मार्केट जो प्राइजेस है ऊपर नहीं बढ़ेंगे. इंडिया के अलावा पूरे दुनिया के जो कंट्रीज है वहाँ के लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो प्राइजेस का जो राइज है यहाँ से एक्सपोनेंशियल होगा. तो आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहे हैं तो गिव इट 6 मंथ्स एंड 1 लाख. आई एम टेलिंग यू, मतलब इनिशियल मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो मैंने विद इन 2-3 मंथ्स अपना इनिशियल कैपिटल निकाल के एंड नाउ वट एवर इज एक्सीडिंग, जो भी अब बढ़ रहा है वो मेरा बिल्कुल यू नो प्रॉफिट पे प्रॉफिट, इट्स कंपाउंडिंग. तो क्रिप्टो से बेहतर कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी. बिल्कुल, जो हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं वो आपको क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल जाएगी. 15,000 करोड़ की होल्डिंग्स हैं इस वक्त इंडिया की अगर केवल बात की जाए, तो इतना इन्वेस्टमेंट हमारा क्रिप्टो की तरफ जा चुका है. और अगर एस्टिमेटेड इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो वो 15 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है. यहीं से हमारे दर्शक जो हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे कितना बड़ा होता जा रहा है और उसे कितना स्ट्रांगली लोग अब एक एसेट क्लास के तौर पर देखना उन्होंने शुरू कर दिया है. और उसे आपको वक्त देना होगा. ये जो प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है ये छोटी मोटी चीज है, इसे आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि 15,000 या 1,500 रुपए नीचे गिर गया है तो बस आपको निकाल लेना है. ऐसा नहीं करना है आपको, आपको उसको वक्त देना है. जिस तरीके से हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि किसी भी बड़े शेयर में जब आप पैसा लगाते हैं जिसपे आपको बहुत यकीन है, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो आप बहुत सेफ जाते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स चूज करते हैं. इसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी में भी उन चीज़ों को पिक कर सकते हैं, जैसे कि मैम ने बताया इथीरियम या फिर बिटकॉइन. इन सब चीज़ों को जब आप पिक करते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा रखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में आपको जो बिटकॉइन है उसका खेल देखने को मिल जाएगा, वो कितना अच्छा करके आपको दिखाएगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा. बाकी पॉइंट ऑफ व्यू आप लंबा रखें. और ये जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताए इसी से हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा ये फ्लरिश कर रहा है, कितना ज़्यादा ये बढ़ने वाला है. तो हमें अभी थोड़ा सा सबर करके चलना है और बस वेट करना है कि ये किस तरीके से ऊपर जाएगा और किस तरीके से आप अपना एक वक्त ऐसा आएगा कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकाल भी देंगे उसमें से तो भी आप प्रॉफिट पर ही कंपाउंडिंग होते हुए देख सकते हैं. पूनम मैम, आज का ये शो काफी इंटरेस्टिंग था. ये जो फैक्ट्स निकल के आए हैं आज आज के ही अखबार में हमने पढ़ा है कि कितने लोग नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, और जैसे ही 50,000 हिट किया था, $50,000 हिट किया, उसी के साथ बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था. तो हमारे लिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये छोटी मोटी गिरावट कोई असर नहीं डालने वाली है आपकी इन्वेस्टमेंट पे. पूनम मैम, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. तो ये थी हमारे साथ पूनम सिंह, पैसा रोज की को फाउंडर. एक लिटरेसी को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये काम कर रही हैं और क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, काफ़ी लंबे वक्त से इसमें है. तो इनसे आज हमने समझा, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये गिरावट क्यों है और इस गिरावट को देख के हमें घबराना नहीं है और किस साइकोलॉजी के साथ, किस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आगे अपनी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है. आज का शो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. आप किसी भी कॉइन को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं क्रिप्टो लाइव के जरिए तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम वो सारी चीज़ें आपकी इस शो के दौरान क्लियर करेंगे. आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया.